हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्जेम्पशन बेसिस पे आपको कैसे डीजीएमएस के वेबसाइट से मंगाना है, क्या आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है, डॉक्यूमेंट भेजना है या फिर नहीं भेजना है, इससे रिलेटेड सारा प्रोसेस हम बताएंगे कि आपको कैसे गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जेम्पशन बेसिस पे मिल सकता है। फॉर्म फिलअप करके भी दिखाएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे रजिस्टर्ड पोस्ट पे आपको सही तरीके से पोस्ट करना है। कल के दिन मैंने ओवरमैन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जेम्पशन बेसिस पे कैसे अप्लाई करना है। मैंने उस वीडियो में भी ओवरमैन से रिलेटेड फॉर्म भर के दिखाया था कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म भरना है, स्लॉट कैसे बुक करना है। हालांकि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट में आपको किसी भी तरह का स्लॉट बुकिंग नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है। दो दिन पहले मैंने अपने एक चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए आपको स्लॉट बुकिंग वेरिफिकेशन नहीं करना है, आपको सीधे जो है वो डॉक्यूमेंट डीजीएमएस के ऑफिस में भेजना है। उस वीडियो में मैंने और एक चीज बताया था कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन उसी दिन रात को जब मैंने डीजीएमएस के अथॉरिटी से बात की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हम लोग का पूरा कॉन्वर्सेशन, उस दिन मुझे ये पता चला कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना है। तो कैसे कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म भी फिलअप करके इस वीडियो में देखेंगे और आपका सारा डाउट को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे एफर्ट को आप भी सपोर्ट करें, मोरली सपोर्ट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन हमेशा अप रहे। YouTube पे सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड और कैसे जीटी अप्लाई करना है उससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो मिल रहा है। इसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर तो आपका जरूर बनता है। चलिए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का ऑफिशियल डीजीएमएस के वेबसाइट से फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्जेम्पशन बेसिस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग को डीजीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिख रहा होगा। अभी तक आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे इस पीले वाले सेक्शन पे आके आप रजिस्ट्रेशन पहले करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए जिसपे आपका ओटीपी जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आपका लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। उसको एक बार मिलने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के सिंपली जो है वो लॉगिन हो सकते हैं, जैसे कि हम अभी लॉगिन होने जा रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं। जब आप लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन होइएगा तो आप लोग को एक वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन होगा आप लोग का ओटीपी के थ्रू। उसको जब वेरिफिकेशन वो हो जाएगा उसके बाद सिंपली जब आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा, जैसे कि हम लॉगिन करने अभी जा रहे हैं, तो सीधा हम ऑफिशियल वेबसाइट पेज खुल जाएगा। आधा एप्लीकेशन मैंने प्रोसेस कर लिया है, आप लोग को वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने सारा चीज अपलोड करके रखा है, रैंडमली मैंने कुछ भी अपलोड किया है। आप लोग जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होइएगा तो सबसे पहले आप लोग पहुंच जाइएगा इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर, यानी जो पहला आप लोग को भरना है कि किस चीज के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सर्टिफिकेट जो है वो कोई सर्टिफिकेट कोल माइन रेगुलेशन के अंडर में मिलता है, कोई सर्टिफिकेट जो है आपका कोई सर्टिफिकेट जो है वो माइंस एक्ट 1952 के अंडर में मिलता है और कोई सर्टिफिकेट एमएमआर के अंडर में मिलता है। तो आप लोग को जो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आप लोग को मिलता है किसके अंडर में, माइंस एक्ट 1952 के अंडर में। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके माइंस एक्ट 1952 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस में माइंस एक्ट 1952, देखिए यहाँ पे तीन कॉलम होगा, एप्लीकेंट अंडर सीएमआर, अंडर एमएमआर और अंडर माइंस एक्ट 1952। तो आप लोग को जीटी के लिए माइंस एक्ट 1952 करना है, ओवरमैन वालों के लिए एप्लीकेशन अंडर सीएमआर 2017 करना है। हालांकि ओवरमैन अप्लाई कैसे करना है इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग फर्स्ट कॉलम फिल कीजिएगा एप्लीकेशन अंडर माइंस एक्ट 1952, सेकंड कॉलम जो एग्जामिनेशन कैटेगरी कोड है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा 03 और एग्जामिनेशन फॉर सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ये गैस टेस्टिंग, क्योंकि माइंस एक्ट 1952 के तहत बस यही एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अबव सर्टिफिकेट। तो जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, डिग्री और डिप्लोमा, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा वाले ही एग्जेम्पशन बेसिस पे ले सकते हैं। जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा नहीं है उनको सीबीटी एग्जाम देके नया एलएच से लेना होगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं डिग्री और डिप्लोमा। ये सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कोड और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये तीन टॉपिक जो है वो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा। वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, ये आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑटोमेटिक आ गया, सब्जेक्ट कोड जीटीई एग्जेम्पशन ऑटोमेटिक आ गया और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आप लोगों को पता है, लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुड नॉट बी लेस देन 1 वीक, 1 वीक का आपके पास
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको एल एच मिलेगा और एल एच मिलने के बाद ही आप जी टी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि जीटी वाले कैंडिडेट को फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं होता है। उनको क्या क्या जरूरत होता है, कैसे कैसे करना है, हम लोग सब आगे देखते हैं। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, तो ये कॉलम आपको भरना नहीं है। उसके बाद सीधे आपको आ जाना है, डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है? तो अभी जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे यकीन है 100% बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। ये डिटेल आप लोगों को नहीं भरना है, फर्स्ट एड का कुछ भी यहाँ पे आप भर ही नहीं पाएंगे। डू यू हैव आधार कार्ड में आपके पास आधार कार्ड है तो यस, और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नहीं है तो वो नो भी कर सकते हैं, हालांकि सबके पास होगा ही। इस कॉलम में आपको आपका आधार नंबर भरना है जो 12 डिजिट का होता है। यहाँ पे जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। मैंने यहाँ पे ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करके रखा है, तो आप लोग हंसिएगा मत, मैं रेंडमली ये फॉर्म भर रहा हूँ, इसमें कोई डिटेल सही नहीं है, तो कॉपी करके भी कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम इस कॉलम में भरना है इंग्लिश में, और सेम इंग्लिश में ही यहाँ पे फादर्स नेम भरिएगा इंग्लिश में। यहाँ पे हिंदी लिखा है, ऑटोमेटिक ये हिंदी में आपका फादर्स नेम ले लेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। हालांकि मैं अभी सुन रहा हूँ कि जो एग्जेम्पशन बेसिस पे जीटी जो है वो हार्ड कॉपी किसी को नहीं मिल रहा, अगर ये बात सही है तो फिर भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सही ही डालिएगा, लेकिन अगर हार्ड कॉपी आता तब आपको ये एकदम सही डालना पड़ता, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, आपका जो भी एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आपका जो पुलिस स्टेशन है, पोस्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारा चीज आपको यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस 1, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, उसके बाद ब्लॉक डालना है, फिर पुलिस स्टेशन डालना है, फिर पोस्ट ऑफिस डालना है, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करके अपना पिन कोड जो डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आप टिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला जो सेक्शन है ये भी आपका फिल हो जाएगा पूरा का पूरा। और अगर दोनों अलग है तो आप बारी बारी करके दोनों को भर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को भरने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो सिंपली आपको एक कॉलम दिखेगा जिसमें आपका गेस्ट टेस्टिंग से रिलेटेड जो फी इंक्लूड है, 300 रुपए का आपको चालान कटवाना होता है भारत कोश के साइट पे, आपको पता होगा ये 300 आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन फी कितना है, टोटल 300 रुपए, अमाउंट 300। ये देखने के बाद आपको सिंपल क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वेट, मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और नेक्स्ट पेज हमारा है क्या है, क्वालिफिकेशन। वेट, बेसिक के बाद यहाँ आ जाएगा क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन आ जाएगा, एक मिनट, ये बेसिक हमने भर लिया, ये आ गया आप क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको अपना 10th का डिटेल, 12th का डिटेल और डिग्री डिप्लोमा, ठीक है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्चे सिर्फ 10th दिए हैं वो क्या करेंगे, तो उनको कुछ नहीं करना है, वो अपना 12th का डॉक्यूमेंट उनके पास है ही नहीं तो वो भरेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद डिग्री डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। तो 12th का जिनके पास नहीं है उनको घबराना नहीं है, नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। हालांकि यहाँ पे रेड मार्क दिया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे के पास 12th भी होगा। तो सबसे पहले आपको डिटेल भरना है 10th का, 10th का यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट अच्छे से भरिएगा ये सब डिटेल। उसके बाद बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट से आपका जो स्कूल था वो कॉलेज था किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता था। उसके बाद क्या भरना है, सिटी या फिर स्टेट नेम ऑफ बोर्ड, स्टेट नेम या फिर सिटी नेम जहाँ पे आपका बोर्ड जो है वो स्थित है। उसके बाद डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशूड, आपका जो सर्टिफिकेट था वो कब इशू किया गया, और आपका फिर डेट ऑफ पासिंग, आप किस डेट को पास किए हैं, अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम भरिएगा, ठीक है। उसके बाद वेट, हाँ, उसके बाद 10th भरने के बाद आपको क्या करना है, 12th का डिटेल भी सेम तरीके से भरना है। सबसे पहले पासिंग सर्टिफिकेट आपका जो भी है ध्यान से भरिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी है कहाँ, उसका सिटी स्टेट नेम। उसके बाद डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उसके बाद किस डेट को आपने जो है वो 12th पास किया है, ये डिटेल अच्छे से भरने के बाद आपको थर्ड में अब भरना होगा डिग्री और डिप्लोमा। पार्ट 3 में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री और डिप्लोमा है, डिग्री और डिप्लोमा में पास सर्टिफिकेट नंबर, नॉर्मल जो आप 10th 12th का भरते आए हैं उसी तरह इसका भी सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, वो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी किस स्टेट किस सिटी में है। उसके बाद डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू, किस डेट को आपका जो है सर्टिफिकेट इशू हुआ था डिग्री या फिर डिप्लोमा का, जैसे आप लोगों ने 10th 12th किया है, 10th 12th का भरा है उसी तरह। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, किस डेट को आपने पास किया, अगर दोनों सेम है तो आप दोनों सेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है whether the date of passing and date of issue certificate are same, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, और अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है।
इतना करने के बाद हम लोग अब सीधे स्लाइडर को नीचे करेंगे और नीचे देखेंगे कि इसके बाद हम लोग को क्या क्या डिटेल मांगा जा रहा है। वेट, हाँ, उसके बाद जब हम लोग नीचे जाएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आई थिंक 6 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। मेडिकल का तो मैं कंफर्म हूँ 1 साल, कैरेक्टर का भी ऑलमोस्ट 6 महीना, हाल का रहे तो बहुत अच्छा है। मेडिकल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है, किस मंथ को इशू हुआ है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और किस ईयर को हुआ है, तीनों डिटेल डालने के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सेम चीज डालना है। डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किस मंथ को इशू हुआ है, उसके बाद किस ईयर को इशू हुआ है, ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको इसके बाद पता चलेगा कि आपसे स्टैचुअरी सर्टिफिकेट, तो जैसा कि आपको पता है कि जीटी के लिए किसी भी तरह का कोई स्टैचुअरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फर्स्ट एड भी नहीं चाहिए और किसी भी तरह का कोई स्टैचुअरी सर्टिफिकेट आपको जीटी लेने के लिए नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप अब सीधे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके पहले सेव एंड नेक्स्ट करने के पहले आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना होगा। तो जब तक मैं कैप्चा कोड भरता हूँ तब तक हमारे एफर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो भी आप 7 दिन का एक्सपीरियंस किए हैं वो उसका डिटेल इसको आपको यहाँ पे डालना है। चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं कि एक्सपीरियंस में हम लोग को क्या क्या डिटेल डालना है जो पोर्टल हमने 4th नंबर पे खुला है। टोटल 7 नंबर, टोटल मतलब 7 स्टेजेस में आपका ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। तो सबसे पहले जब आप एक्सपीरियंस पोर्टल खुलिएगा तो इतना बड़ा देख के घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं भरना है। वेट, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ द माइन और ओनर, जो भी आपका माइंस का नाम था ओनर का नाम था वो फिल कर देना है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, तो जब इशूइंग अथॉरिटी में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। वेट, मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। 2 ऑप्शन में क्या क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर और इंचार्ज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये 2 ऑप्शन जो भी जिससे जिस अथॉरिटी से आपको मिला है सर्टिफिकेट उस अथॉरिटी को आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कब से कब तक है, प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस और टोटल डेज ऑफ एक्सपीरियंस आपको सेलेक्ट करना है इस पोर्टल पे, एक्सपीरियंस वाले पोर्टल पे। फिर जैसे ही आप इसको नीचे कीजिएगा तो इसमें आपको कैप्चा कोड टोटल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक 7 दिन ले लेगा। उसके बाद कैप्चा कोड में आपको जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड आप भर सकते हैं। सिस्टम जो है वो कभी कभी हैंग करता है, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है नहीं, आप लोग वेट कीजिए और कुछ गलती हुई तो उसके लिए क्षमा भी कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट हम लोग जैसे ही करेंगे आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये आपका है जिसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट अपना 10 का 12 का डिग्री डिप्लोमा सारा चीज आपको इसमें अपलोड करना है। कितने MB का अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में करना है, सारा चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्कैन कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका कैसा होना चाहिए, लाइट ब्लू, ठीक है। चूज फाइल में करके आप यहाँ पे सारा चीज जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपना जो भी डालना चाहते हैं उसको चूज करके डाल सकते हैं। साइज जो है वो 20 KB से 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच का डालिएगा। मिनिमम मतलब जो स्टैंडर्ड इसका क्वालिटी होता है 35 से 40 KB के बीच डाल सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि सही फाइल आपका अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि जो फाइल अपलोड कीजिएगा वो JPG और JPEG मतलब फोटो के फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर PDF फॉर्म में नहीं डालना है। उसके बाद हम आते हैं सिग्नेचर पे। सिग्नेचर आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लू पेन से साइन कीजिएगा। उसके बाद साइन करने के बाद आपको क्या करना है, उसका जो साइज होगा वो 10 KB से 20 KB के बीच में आपको रखना है अपना सिग्नेचर का साइन, ठीक है। उसको भी आप 10 से 20 KB के बीच में रखिए और उसके बाद प्रीव्यू करके देखिए कि हमने सही सिग्नेचर अपलोड किया है या फिर नहीं किया है। फोटो और सिग्नेचर तो हो गया, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब सारा डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट आगे और पीछे यानी फ्रंट और बैक दोनों साइड का सिंगल PDF में, अलग अलग PDF में नहीं, एक ही PDF में आगे का भी और पीछे का भी अपलोड करना है। PDF का जो साइज होगा वो 500 KB से ज्यादा नहीं होगा और 2048 KB मतलब सिंपल समझिए 500 KB और 2 MB के बीच आपको रखना है आपका जो भी PDF होगा 10th का। यहाँ पे फाइल चूज फाइल करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है और यहाँ से प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपने सही फाइल को डाला है या फिर नहीं।
10th का अपलोड करने के बाद आपको 12th और SSC और इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है उसका फ्रंट और बैक सिंगल PDF में 500 KB से लेके 548 KB के बीच में यहाँ पे चूज फाइल करके डालना है। प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपने सही फाइल को अपलोड किया है या फिर नहीं। उसके बाद डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको डालना है, डिग्री और डिप्लोमा का भी फ्रंट एंड बैक दोनों डालना है सिंगल PDF में। चूज फाइल करके आप डाल सकते हैं, प्रीव्यू करके अपना देख सकते हैं कि जो आप डाले हैं PDF वो सही है कि नहीं। सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। पता नहीं आप लोग को इतना दिक्कत क्यों हो रहा था। उसके बाद डिग्री और डिप्लोमा का इक्विवेलेंट मार्कशीट, ऊपर जो था वो आपको पासिंग डालना है, यहाँ पे आपको मार्कशीट डालना है, ठीक है। मार्कशीट डालने के बाद चूज फाइल करके आप प्रीव्यू करके उस मार्कशीट को देख सकते हैं कि हमने सही डॉक्यूमेंट डाला है या फिर नहीं। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस डालना है फ्रंट और बैक, इसका भी सिंगल PDF में। PDF का साइज 500 KB से ज्यादा नहीं होगा और 500 KB से कम नहीं होगा और 2 MB से ज्यादा नहीं होगा। ध्यान रहे कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिया हुआ फॉर्मेट में ही अप्लाई करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको प्रिंट आउट निकलवा के किसी भी MBBS डॉक्टर से जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो उससे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बनवाने के बाद चूज फाइल करके आपको फाइल अपलोड करना है और प्रीव्यू करके उस फाइल को देख लेना है कि हमने सही फाइल अपलोड किया है या फिर नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सेम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रंट और बैक दोनों सिंगल PDF में 500 KB से ज्यादा और 2 MB से कम के बीच का PDF बना के अपलोड करना है। ध्यान रहे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वही फॉर्मेट का होगा जो DGMS ने स्पेसिफाइड किया है, मतलब CIM साहब ने जो स्पेसिफाइड किए हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर अभी पॉपअप हो रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट डालने के बाद अब आपको क्या डालना है, भारत कोष पेमेंट रिसिप्ट थ्रू भारत कोष, भारत कोष से जो आप पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट आपको डालना है, ठीक है। उसका रिसिप्ट डालने के लिए आप भारत कोष पे पेमेंट कीजिए 300 का, आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। वो रिसिप्ट का आपको स्क्रीनशॉट भी आपको पॉपअप हो रहा होगा मैसेज पे, ऐसा आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उसको यहाँ पे चूज फाइल करके डालना है और उसके बाद प्रीव्यू करके उस प्रीव्यू को देख लीजिएगा कि सही हमने डाला है कि नहीं। और कोई अगर एफिडेविट इससे रिलेटेड आपके कुछ नाम में गलती है, पापा का नाम में गलती है, इससे रिलेटेड अगर कोई एफिडेविट है आपके पास जो आपको सपोर्ट करता है आपके गलत नाम को, पापा है गलत नाम को, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। देखिए एफिडेविट डॉक्यूमेंट इफ एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल, और कोई डॉक्यूमेंट अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। GT अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, इसका एक PDF निकाल के आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो DGMS में भेजना है। सिर्फ ऑनलाइन से नहीं होगा और सिर्फ भेजने से भी नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपना LH सर्टिफिकेट जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, 7 दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 चूज फाइल करके आपको यहाँ पे अपना LH सर्टिफिकेट डाल देना है और प्रीव्यू करके देख लेना है कि सही LH हमने डाला है या फिर नहीं डाला है। एक भी डॉक्यूमेंट गलत होगा तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है, मैं कैप्चा फिल करता हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। CPKT9 ये है हमारा DGMS की तरफ से कैप्चा। अब इसको करते हैं हम 7 next। जैसे ही करेंगे यहाँ पे एक आपको पॉपअप शो होगा, आर यू श्योर द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इज करेक्ट। अगर आप श्योर है कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो यस कर दीजिए, अगर कुछ चेंज करना है तो कैंसिल करके आप वापस से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं श्योर हूँ कि सारा डॉक्यूमेंट सही है क्योंकि मैंने कुछ भी फोटो और सिग्नेचर डाल दिया, क्योंकि मुझे तो फॉर्म भरना नहीं है। इसके बाद हम ओके कर देते हैं। जैसे ही आप ओके कीजिएगा आप आ जाइएगा आप कहाँ पे, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, भारत कोष से रिलेटेड आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है इस पे अगर आप बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। पेमेंट करने का भी लिंक आपको यहाँ पे मौजूद है, इस पे इस लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको टोटल 300 का करना है। पेमेंट कब किए उसका आपको डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे देना होगा कि आपका डेट ऑफ पेमेंट कब था। ध्यान रहे कि जो भी डेट ऑफ पेमेंट रहेगा वो 6 महीना से ज्यादा पुराना, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं उससे 6 महीना से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए भारत कोष का रिसिप्ट। यहाँ पे साफ साफ लिखा है पेमेंट डेट शुड नॉट बी लेस देन 6 months, 6 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको डेट डालना है किस डेट को आपने पेमेंट किया, किस मंथ में आपने पेमेंट किया और किस ईयर में आपने पेमेंट किया। अमाउंट कितना था तो अमाउंट 300 होगा। उसके बाद भारत कोष रेफरेंस नंबर, जो पेमेंट आप कीजिएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उसके बाद पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सक्सेस का, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको सिंपल क्या करना है, कैप्चा कोड भरना है, ठीक है। तो ऑलरेडी कैप्चा कोड हम लोग भरते आ रहे हैं, और एक कैप्चा कोड भर देते हैं 8S7XM, ये हमने कैप्चा कोड भर लिया। अब सीधे हम लोग करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब सीधे हम लोग चले जाएंगे प्रीव्यू पेज पे। प्रीव्यू पेज पे जो पहले आप लोग फॉर्म 2 भरते थे वही फॉर्म 2 यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग को, मतलब ऑनलाइन आप लोग का भरा गया, ठीक है। बस डिफरेंस यही है, पहले ऑफलाइन भरते थे अब ऑनलाइन भर रहे हैं। इसमें आपको सारा डिटेल चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं।
फोटो सिग्नेचर अपलोडेड है कि नहीं, एक्सपीरियंस डिटेल और जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे टिक किया हुआ मिल जाएगा कि ये सर्टिफिकेट हम अपलोड किए हैं। उसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो एक डिक्लेरेशन मिलेगा, डिक्लेरेशन का आपको दिख रहा होगा कि कहाँ है डिक्लेरेशन। मैं घोषणा करता हूँ कि सारा सर्टिफिकेट सही है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। ऐसे टिक करने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक टिक लगा देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फॉर्म में आपको दिक्कत आ गया, फॉर्म में कुछ चेंज करना है तो बैक का भी ऑप्शन है, बैक ऑप्शन पे आप क्लिक करके सीधे पीछे वाले पेज पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे फाइनल सबमिट करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक प्रिंटआउट सक्सेसफुली आप निकाल लीजिएगा और अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप BGMS में भेजिएगा एड्रेस पे, उसके साथ ये भी अटैच करके आपको भेजना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको पीछे जाना है, कोई चीज आपका छूट गया है, तो आप सिंपली किसी भी टाइम बैक करके पीछे जा सकते हैं। देखिए हमने बैक किया और सीधा हम पीछे चले जाएंगे और जो नंबर पे जिस प्रोसेस में आपको दिक्कत है, क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस में, वहां पे जाके आप उसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली भरने के बाद DGMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे अब आपको क्या करना है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है जिसका आपको पॉपअप पे भी एक मैसेज अभी थोड़ी देर बाद शो होगा और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। जैसे कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना ओरिजिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये तीन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और इसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी भेजना है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड, जैसे कि 10th डिग्री डिप्लोमा, इन सब डॉक्यूमेंट का आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। एक एक करके हम लोग सारा चीज समझते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजना है। सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए MBBS डॉक्टर, मिनिमम MBBS डॉक्टर से, जिसका अपने पास अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो। वैसे डॉक्टर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल भेजना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, स्कूल का हेडमास्टर, कॉलेज का हेडमास्टर भी साइन कर सकते हैं क्योंकि वो भी गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। मेडिकल कैरेक्टर आपको ओरिजिनल भेजना है, साथ में लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट जो 7 दिन का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी आपको ओरिजिनल भेजना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट वापस आपके पास नहीं आएगा, ओरिजिनल जो है वो DGMS रख लेगा और इसी बेसिस पे आपको गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो एग्जेम्पशन बेसिस पे आपको मिलने वाला है इसी पे मिलेगा। इन तीनों डॉक्यूमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसका जेरोक्स देना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो गया, डिग्री का मार्कशीट हो गया, डिग्री का आपका जो पासिंग है वो हो गया। सारा डॉक्यूमेंट आपको अभी एक स्क्रीन पे पॉपअप मैसेज में शो हो रहा होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। आप एक बार लिस्ट देख लीजिए और देख लीजिए कि सारा डॉक्यूमेंट आपका रेडी है कि नहीं। अगर सारा डॉक्यूमेंट रेडी है तो इन सब डॉक्यूमेंट को अलॉन्ग विद जो आपने DGMS पे फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसका इसमें अटैच कीजिए और एक A4 साइज से बड़ा इनवेलप लेके, क्योंकि सारा पेज आपका A4 साइज का होगा, तो A4 साइज से बड़ा इनवेलप लेके आप उस सारे अटैच्ड फाइल को A4 साइज इनवेलप में इंसर्ट कीजिए और स्क्रीन पे आ रहे DGMS के एड्रेस पे काइंडली सेंड कर दीजिए। वहां पे पहुंचने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको उसके बाद ना ही कहीं जाना है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर मेल पे आना होगा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट तो मेल पे आ जाएगा और यदि आपको एड्रेस पे मंगाना है, एक बार आप पता कर लीजिए कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो अब एड्रेस पे यानी कि हार्ड कॉपी मिल रहा है कि नहीं। मैंने सुना है कि एग्जेम्पशन वालों को अब सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक और A4 साइज का एनवेलप उसमें इंसर्ट करके डाल सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी आना होगा तो उसी एनवेलप में आपका सेल्फ एड्रेस जिसमें रहेगा आपके घर वापस चला आएगा GT सर्टिफिकेट बनके, और मेल पे आना होगा तो मेल पे तो ऐसे भी आ जाएगा, फिर एनवेलप का कोई जरूरत नहीं है। तो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा वो सारा डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए और काइंडली एड्रेस पे DGMS के एड्रेस पे सेंड कर दीजिए। आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जेम्पशन बेसिस पे कैसे मंगाना है, कैसे अप्लाई करना है। आधा प्रोसेस ऑनलाइन है और आधा आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सारा भेजना है। GT को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट है उनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट भेजने का जरूरत नहीं है, उनको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, डे और डेट आपको स्लॉट बुक करना है और उस स्लॉट में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को ना जाएं, अगर 1% भी नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल से मिला हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, टेक केयर।